लेट एफ एक्स इक्वल टू, जी हमें एक फंक्शन दिया गया है, चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए सबसे पहले वही हमने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास एफ जीरो नेगेटिव, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, हमने जहाँ पर पुट कर लेना है एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एच, सो दैट वेन एक्स टेंड टू जीरो नेगेटिव देन एच टेंड्स टू जीरो। तो ये गिवन फंक्शन में हमने जे एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, पुट करने के बाद हमारे पास जे टर्म आ जाती है। अगर इसमें एच की वैल्यू जीरो फिल करोगे तो जीरो डिवाइडेड बाई वन प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, जहाँ पर इस पोजीशन पर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है जीरो, तो इसकी वैल्यू होगी जीरो। तो टोटल फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो। तो इसके बाद हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है उसको चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, जहाँ पर पुट कर लो एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच, सो दैट वेन एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एच टेंड्स टू जीरो। जे वैल्यू वहाँ उस फंक्शन में पुट कर दी हमने, तो एच की वैल्यू जब फिल करेंगे हमारे तो हमारे पास आ जाएगा जीरो अपॉन वन प्लस ई की पावर इन्फिनिटी। ई की पावर इन्फिनिटी किसके इक्वलेंट होती है, इन्फिनिटी के बराबर होती है। तो जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग आंसर क्या आता है जीरो। इसका मतलब ये हो गया जी, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी, राइट हैंड लिमिट थी, और फंक्शन की वैल्यू एट जीरो पॉइंट पर इक्वल आ गई, इसका मतलब फंक्शन इज़ कंटिन्यूज एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है हमने। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर राइट हैंड का निकालना पड़ेगा। पहले लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव देखो, उसकी डेफिनेशन ये होती है, इसमें एफ माइनस एच आता है, तो जो गिवन फंक्शन है उसमें आपने एक्स की जगह पर माइनस एच पुट कर देना है। तो पुट करने के बाद ये आ गया हमारे पास ऊपर एफ जीरो की वैल्यू, तो जीरो है, एफ जीरो की वैल्यू जीरो है, वो तो गिवन ही दी गई है हमको, ये रही एफ जीरो इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब जब हम डिफरेंशिएबिलिटी निकालने जा रहे हैं तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, एच के साथ जे एच कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट इतनी टर्म आती है। एच की वैल्यू जीरो फिल अप करेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, जहाँ पर उसकी वैल्यू हो जाती है जीरो, तो आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस जीरो। टोटल वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी हमारे पास वन। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला आ गया जे वाला, इसमें एफ एच कितना होगा, जे फंक्शन में एक्स की जगह एच की वैल्यू फिल अप कर दी और एफ जीरो की वैल्यू कितनी है जीरो अपॉन एच। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है एच के साथ एच कैंसिल होगी, तो जस्ट इतनी टर्म आती है। एच की वैल्यू अगर जीरो पुट करोगे इसमें तो ई की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी के इक्वलेंट होता है, तो जहाँ से आ गया वन अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया, राइट हैंड वाला डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड वाला जो डेरिवेटिव है वो आपस में इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट ओरिजन। फंक्शन अगर एक्स मोड एक्स है तो इसके लिए भी वही हमें करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट हैंड वाली लिमिट निकालनी पड़ेगी, उसका फार्मूला आ गया जे वाला, इसमें एफ माइनस एच है और जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स है उसकी जगह आपने रिप्लेस कर देना है माइनस एच को, तो ये आ गया। मॉडुलस में अगर नेगेटिव टर्म है तो वो तो पॉजिटिव हो जाती है, और मॉडुलस एच इक्वल टू कितना आ जाएगा एच, बाहर माइनस एच है तो जहाँ पर आ गया माइनस एच स्क्वायर अपॉन आ गया माइनस एच। तो इसमें अगर एच की वैल्यू फिल अप करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जीरो। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला है एफ एच, गिवन फंक्शन में एक्स की जगह आपने एच पुट कर देना है, तो ये आ गया हमारे पास, एच के साथ एच कैंसिल हो गया, मॉड एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एच। तो जस्ट हमारे पास अगर इसमें एच की वैल्यू जीरो फिल करोगे तो हमारे पास आ जाएगा जीरो। तो इसका मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू सेम आ गई, इसलिए ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो। इस बार फंक्शन है एक्स इंटू टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स, और जीरो है जब एक्स इक्वल टू जीरो है। तो इसके लिए भी वही, पहले लेफ्ट हैंड की वैल्यू हमने निकाल ली है, लेफ्ट हैंड की वैल्यू आ गई हमारे पास जे।
तो जहाँ जहाँ गिवन फंक्शन में एक्स दिया है वहाँ वहाँ आपने माइनस एच पुट कर देना। तो पुट करने के बाद कुछ ये आ गया, एफ़ जीरो की वैल्यू जीरो फिल कर दी हमने, अपॉन माइनस एच है। तो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, जे एच के साथ एच कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जस्ट आता है टेन इनवर्स वन अपॉन एच माइनस वन अपॉन एच, और एच की वैल्यू अगर जीरो फिल कर देंगे तो हमारे पास आ गया टेन इनवर्स वन अपॉन जीरो, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, और ये वाला जो नेगेटिव वो टेन से आउटसाइड हो गया, माइनस टेन इनवर्स इन्फिनिटी आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस फाइव बाई टू। अगर इसका राइट हैंड साइड हमने राइट हैंड साइड वाला डेरिवेटिव निकालना हुआ तो उसका फार्मूला होता है जे, इसमें हमने क्या करना है, जो गिवन फंक्शन है उसमें पुट कर देना एक्स की जगह पर पुट कर देना जीरो प्लस एच, टेन इनवर्स वन अपॉन जीरो प्लस एच अपॉन एच। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारे पास जे आ जाएगा, एच के साथ हमने एच कैंसिल कर दिया तो टेन इनवर्स वन अपॉन एच आ जाएगा, एच की वैल्यू जीरो फिल अप कर दोगे तो टेन इनवर्स वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो होता है हमारे पास इन्फिनिटी का इक्विवेलेंट, टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है पाई बाय टू। तो जो जे थी हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू, और ऊपर जो हमने निकाली थी वो थी लेफ्ट हैंड की, दोनों वो थी माइनस पाई बाय टू और ये हमारे पास पाई बाय टू। इसका मतलब ये दोनों की दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं हुई, इसका मतलब ये जो फंक्शन है इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।